Are you ready? Yeah. I am Durgesh Beba from Rajasthan. राजस्थान से आपके बीच में आया हूँ. 14 साल पहले एसटीडी पीसीओ का दुकान चलाता था. एक फ्रेंड ने इस बिजनेस में मेरे को लेके आया. पहला इनकम 749 रुपए. सिंपली आई एम बीए अभी एलएलबी कर रहा हूँ. आरसीएम बिजनेस का पिकअप सेंटर में चलाता हूँ. कृषि का कार्य है, खेती का काम करते हैं हम लोग. डेयरी फार्म हाउस है मेरे पास में. फाइनेंस का कुछ काम है, फाइनेंस करते हैं. कई सारे काम करने के साथ में अभी पार्ट टाइम आरसीएम बिजनेस को कर रहे हैं. पहली इनकम 749 रुपए, जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ा. बहुत सारे दोस्तों के पहली इनकम, किसी को 200 रुपए, किसी को 300 रुपए, किसी को हो सकता है 52 रुपीज. पहली इनकम कुछ भी होती है. कितने लोगों को पहली इनकम आई है? पहली इनकम जितने लोगों को आई है, पहली इनकम से जिंदगी में फर्क नहीं होता. बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होता पहली इनकम से, लेकिन चलते गए, लोग मना करते गए, आगे बढ़ते गए, प्रोडक्ट परचेज करते गए. जब प्रोडक्ट परचेज करने की बारी आती थी, मेरा पिकअप सेंटर मेरे शहर से भिलवाड़ा होता था और दूरी होती थी मेरे शहर से भिलवाड़ा पिकअप सेंटर की ओनली 140 किलोमीटर. मात्र 140 किलोमीटर दूर से प्रोडक्ट लाके यूज किया. धीरे धीरे अपने शहर में पिकअप सेंटर खुले. लोग ने मना किया, चलते गए. दोस्तों को बोलते थे, हंसी उड़ाते थे. हम बोलते थे जिंदगी बदलेगी, दोस्त बोलते थे तुम्हारी बदल लो. हम बोलते थे कार आएगी, बोले तुम अपनी लेके आ जाओ. हम बोलते थे अमीर बनेंगे, भले बोले तुम बन जाओ. बहुत हंसी उड़ती थी. आपकी भी उड़ रही है क्या? जिन लोगों की हंसी उड़ रही है वो बड़ा काम करने वाले हैं. 100% बड़ा काम करने वाले हैं. दोस्त, आरसीएम बिजनेस में सबकी हंसी उड़ी है. पवार सर की हंसी उड़ी है, कानपुरे सर की हंसी उड़ी है, मेरी भी हंसी उड़ी है. कुछ की हंसी उड़ चुकी है, कुछ की उड़ रही है और कुछ की उड़ने वाली है. अगर इसके लिए आप तैयार रहेंगे तो ये बिजनेस आपको अमीर बनाएगा. पहले इनकम से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इस बिजनेस में चलते चलते एक महीने की इनकम आई 2,20,000 रुपए. जब 2,20,000 रुपए है तो बहुत बड़ा फर्क पड़ा. दोस्त, आज चलते चलते इस बिजनेस के माध्यम से मेरे पास, मेरे परिवार में, मेरे बैंक अकाउंट में लगभग 2,50,00,000 से ज्यादा आरसीएम ने ट्रांसफर किया है. क्या इतना पैसा आपको चाहिए क्या? दोस्त, इस बिजनेस में वो लोग पैसा कमाएंगे जो बिंदास और झक्कास होंगे. शर्म करने वाले लोग सर बोल रहे थे, राजस्थान में शर्म करने वाले को मिठाई भी नहीं मिलती, प्रसाद भी नहीं मिलता. और जो शर्म नहीं करते वो लेते खाते, हाथ पूछ के दोबारा फिर मांग लेते एक बार और. तो बिंदास होना, यस और नो? जहां मर्जी है प्लान दिखा देना, जिसको मर्जी है दिखा देना है. ये नहीं सोचना डॉक्टर है कि इंजीनियर है. आप अपने बिजनेस के डॉक्टर आप है, आप अपने बिजनेस के इंजीनियर आप है. सामने वाला जो भी है लेकिन आरसीएम का स्पेशलिस्ट नहीं है, आप आरसीएम के स्पेशलिस्ट से कर सकते हैं जी. दोस्त, समय की कमी है, दोबारा फिर मार्च में मुलाकात होगी. मेरे को राजस्थान ने इनवाइट किया, बाबू सर ने इनवाइट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. जय हिंद, जय भारत, जय आरसीएम.